ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है ध्यान से सुनिएगा, नर्मदा जो नर्मदा घाटी परियोजना है, ठीक है, तो नर्मदा जो है वो भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है वो भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, किस नंबर पे है नर्मदा नदी? पांचवें नंबर पे है। तो समझ लीजिए कि नर्मदा नदी भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पांचवें नंबर पे सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखना, पहला पॉइंट तैयार हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, वर्ष 1945 से 46 के पॉइंट पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ष 1945 से 46 में सर्वप्रथम की बात की गई है कि वर्ष 1945 से 46 में सर्वप्रथम नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, क्या क्या सर्वप्रथम कब? वर्ष 1945 से 46 में, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, ये तीन पॉइंट हैं, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। ध्यान से सुनिए ये तीनों पॉइंट, हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। ठीक है, क्या तैयार हुई थी? एक योजना तैयार हुई थी। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो ये परियोजना है, मतलब नदी घाटी परियोजना, सॉरी नर्मदा घाटी परियोजना है, इस परियोजना के तहत, इसके अंतर्गत नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियां जो हैं, ठीक है, उन पर 29 बड़ी, 29 बड़ी, 135 मध्यम, मतलब 135 मध्यम, तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज, ठीक है, बैराज का मतलब जिन्हें पुल कहते हैं, ठीक है, तो बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी, ऐसे नॉर्मली कहा जाए तो। ठीक है, तो क्या क्या कहा गया? 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध, ठीक है, तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते चौथे पॉइंट पे, तो चौथा पॉइंट क्या कहता है भाई कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में, कहाँ पर? गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया। तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य, याद रखना, गुजरात राज्य में, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण, किसका निर्माण? सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण, समझ गया ना? तो नाम याद कर लीजिए, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। किस परियोजना का निर्माण? सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य के में नर्मदा नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर किया गया है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण। ठीक है, किस राज्य में? गुजरात में। इससे जो है, जो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ है, इससे 1450 मेगावाट, कितने वाट का? 1450 मेगावाट, 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा, ये लाभ हुआ। पांचवें पॉइंट में क्या है? सरदार सरोवर बांध जो है, इससे गुजरात के 17.92, मतलब 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा
किसकी सुविधा? सिंचाई की सुविधा मिलने से गुजरात राज्य को सर्वाधिक लाभ होगा। ठीक है, सरदार जो सरोवर बांध बनाया गया है इससे गुजरात के 17.92 मतलब 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलने से गुजरात राज्य को सर्वाधिक लाभ होगा। 6 पॉइंट की बात करते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कुछ राज्य हैं जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो लाभान्वित हैं सरदार सरोवर परियोजना से। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 पॉइंट पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 पॉइंट क्या है भैया कि सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करते हुए, ठीक है, विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटेकर ने मध्य प्रदेश के धुलिया जिले में धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की थी। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से क्वेश्चन में फरवरी 1986 में कौन? समाज विज्ञानी मेधा पाटेकर जी मध्य प्रदेश के धुलिया जिले में, कहां पर? मध्य प्रदेश के धुलिया जिले में कौन सी समिति थी? धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की थी। 8 पॉइंट की बात करते हैं तो वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाव आंदोलन NBA किया गया। कब? वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ। ठीक है, इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाव आंदोलन NBA किया गया। किसका नाम? संगठन का नामकरण। ठीक है, तो क्या नामकरण रख दिया गया था? नर्मदा बचाव आंदोलन NBA किया गया। 9 पॉइंट क्या कहता है कि नर्मदा सागर परियोजना को ही इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं, याद रख लेना। 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट। 10 नंबर क्या कहता है कि जो ये बांध है ना, मतलब इंदिरा सागर बांध जो है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर के निकट है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर के निकट है। 11 पॉइंट, इससे जो है, जो ये बांध है, ठीक है, या फिर नर्मदा सागर परियोजना है, ठीक है, इससे 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो बात करते हैं 12 नंबर की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है और इन परियोजनाओं से 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। ठीक है, 13 पॉइंट क्या कहता है कि तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट, कौन सी परियोजना से? तवा परियोजना से, याद हो गया होगा, तवा परियोजना से 13.50 मतलब 13.50 मेगावाट बिजली का दोहन किया जा रहा है। 14 पॉइंट क्या कहता है कि नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना, हथनी नदी पर चंद्रशेखर आजाद परियोजना और वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है।
ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ना, नर्मदा नर्मदा नदी से रिलेटेड जो ये नर्मदा परियोजना है जो है, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने 14 पॉइंट्स बताए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स जो है आप इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट ही नहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको जानना भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे पॉइंट आप तैयार कर लेना, ठीक है। और मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलने वाली हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो कि एग्जाम में रखा होगा आपके, ठीक है। तो अगर वीडियो को हमारी लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।